स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इंस्पायर्ड एकेडमी पर। साथियों, आज हम संस्कृत के तीसरे लेक्चर के साथ आप सभी के साथ उपस्थित हैं। इसके पहले हमने आपको दो लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने आपको संस्कृत के सिलेबस से रूबरू करवाया था, दूसरे लेक्चर में हमने आपको संस्कृत में वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं इसकी जानकारी हमने उपलब्ध करवाई थी। अब संस्कृत का जो सबसे मेन और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसके द्वारा हम संस्कृत विषय में प्रवेश करते हैं, उस चीज़ की अध्ययन, उस टॉपिक का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो छोटी रहेगी, बहुत बड़ी नहीं रहेगी। इसमें हम आपको संस्कृत के प्रवेश द्वार में और संस्कृत में प्रवेश कराने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दें, संस्कृत अगर सीखना है तो इसमें आपको माहेश्वर सूत्रों की जानकारी बेहद आवश्यक होती है। माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं, आप लोग नया शब्द सीख रहे होंगे कि माहेश्वर सूत्र कौन सा सूत्र है, तो यही माहेश्वर सूत्र होते हैं। इसी में संस्कृत के व्यंजन और स्वर आते हैं। संस्कृत की वर्णमाला सभी इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के अंदर समाहित होती है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप संस्कृत की वर्णमाला सीखने जा रहे हैं। इसमें संस्कृत के शब्द छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब सीखने जा रहे हैं आप। और इसी को दूसरे भाषा में हम कहें तो संस्कृत का माहेश्वर सूत्र हो जाता है। अब इसका माहेश्वर सूत्र क्यों नाम पड़ा, इसको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, इसका और अन्य कितना नाम है और इन सूत्रों की संख्या कितनी है, ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसका माहेश्वर सूत्र क्यों नाम पड़ा। महर्षि पाणिनि एक संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान थे, और संस्कृत की जो ये माहेश्वर सूत्रों की रचना है उन्हीं के द्वारा हुई है। तो आपको बता दे रहे हैं कि एक इसमें संस्कृत में एक सूत्र है, सूत्र के द्वारा पता चलेगा कि ये माहेश्वर सूत्र कहाँ से आया है। वो सूत्र आपको हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले इस सूत्र का नाम है नृत्यावशाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पंचवारम उदर्त कामा शनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो एक सूत्र के द्वारा आप सभी को संस्कृत का माहेश्वर सूत्र क्या है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम। नृत्यावसाने मतलब होता है नृत्य के अवसान में, नृत्य इधर लिखा है और वसाने लिखा है, तो इसका सबसे सिंपल अर्थ होता है नृत्य के अवसान में, मतलब जब कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा होता है। नटराज राज किसे कहते हैं, नटराज राज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को कहते हैं। नटराज राज उनका नाम है, भगवान शिव का नाम है नटराज। ननादि ढक्काम नव पंचवारम, ननादि ढक्काम मतलब डमरू, ढक्काम मतलब होता है डमरू, डमरू को कहते हैं ढक्काम, और वही बजा के भगवान शिव शंकर नृत्य कर रहे थे, नृत्य की मुद्रा में थे, और इसीलिए इस सूत्र में कहा गया है नृत्यावशाने नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पंचवारम। जब भगवान शिव शंकर डमरू बजाकर अपने नृत्य के मुद्रा में थे, नृत्य कर रहे थे, नृत्य के अवसान में थे, तब भगवान जो पाणिनी महोदय थे, जो पाणिनी महोदय हैं आपके यहाँ के सूत्रकार हैं, जिनको सूत्रकार बताया जाता है, इसके पहले वीडियो में हमने बताया है कि वो सूत्रकार हैं, सभी सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनी द्वारा की गई है, उन्हीं के द्वारा माहेश्वर सूत्रों की भी रचना की गई है। तो इसके अगले एक जो दूसरा इसमें आपका पैराग्राफ है, दूसरी जो सूत्र की दूसरी लाइन है, इसमें आपको बता रहे हैं इसका अर्थ हम बता रहे हैं उद्धर्त कामा शनकादि सिद्धान एतद्विमर्शो शिव सूत्र जालम। उद्धर्त कामा शनकादि सिद्धान मतलब सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए जो शिव सूत्र जाल हमको प्राप्त हुआ, वो एतद् द्विमर्शे मतलब, एतद् द्विमर्शे मतलब 10 और 4 14 सूत्रों का हमें संग्रह प्राप्त हुआ इसमें, शिव सूत्र जालम, इसी को शिव सूत्र कह लीजिए।
या माहेश्वर सूत्र आप कह दीजिए, यही हमको एतद् विमर्श मतलब 10 और 4 14 सूत्रों की रचना। यहाँ पे एतद् विमर्श मतलब 10 और 4 14 सूत्रों की रचना हम सभी को प्राप्त हुई इसमें। तो एक बार फिर से देखते हैं, नृत्यावशाने नटराज राजो ननादि धक्काम नव पंचवारम एतद् उधर्त कामा शनिकादि सिद्धान एतद् द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। अब ये शिव सूत्र जाल, इसको या तो शिव सूत्र कह लीजिए या माहेश्वर सूत्र, इसका दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है शिव सूत्र कहते हैं, और एक और नाम है इसी को प्रत्याहार सूत्र कहते हैं, क्योंकि प्रत्याहारों की रचना भी इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही की जाती है। और एक बात ये, जब कोई व्यक्ति नृत्य कब करता है, जो वो बहुत प्रसन्न होगा, जब दुखी होगा तो नृत्य करेगा नहीं। जब एक प्रसन्न मुद्रा में कोई व्यक्ति होता है तो नृत्य करना चाहता है, और जब नृत्य करता है तो अपने होश से खो जाता है, वो अपने आप में एक कहते हैं जो अपने ध्यान मग्न हो जाता है, और उसी जब ध्यान मग्न डमरू को बजा रहे थे भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर डमरू को बजा रहे थे, उसी समय पाणी महोदय ने उन्हीं के डमरू से जो आवाज़ें निकली थी, जब डमरू कोई बजाता है तो उसमें आवाज़ें आती हैं, और उसी आवाज़ से लेकर उन्होंने आवाज़ को सुन करके ये शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्रों की 14 बार उन्होंने डमरू बजाया, और हर एक बार से एक सूत्र निकला, और एक सूत्र होते होते ये 14 सूत्रों की संख्या 14 हो गई, और इन्हीं 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि द्वारा इस अपने संस्कृत के सबसे प्रवेश द्वार में स्थापित किया गया, जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र, जिसमें आपके आते हैं वर्ण आते हैं, और इसमें आपके स्वर और व्यंजन आते हैं, संस्कृत की शब्दावली भी आप यहीं से सीखेंगे। तो संस्कृत के सबसे पहले आप इसमें आप हम जान गए कि माहेश्वर सूत्रों को और क्या कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। प्रत्याहार बनाना आगे हम आपको सिखाएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं और प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है, प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। शिव सूत्र हो गया, माहेश्वर सूत्र इसी को कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है आप ये देख लीजिए, माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या होती है 14। आपसे एक नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप उसमें बताएंगे 14 होती है, इसके आगे अलावा कोई आप सही टिक नहीं करेंगे। इसके बाद अब इन माहेश्वर सूत्रों का नाम देख लेते हैं, माहेश्वर सूत्रों का नाम कौन कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे, ये आपको चौदह माहेश्वर सूत्र याद करने पड़ेंगे, अगर आपको संस्कृत सीखना है तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा, और ये बहुत ही बेहद आसान है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। इन माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। सबसे पहला माहेश्वर सूत्र है आ ई उड़ा, इसको अलग अलग करके हम लिखे हैं जिससे आप लोग सभी जान जाएं इसमें कौन सा अक्षर है। इसमें हरस्व आ है, हरस्व ई है, हरस्व उ है, और उड़ा है। अड़ा में जो है हलंत लगा हुआ है, ये हलंत क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इनकी संख्या इनको नहीं गिना जाएगा, आपके ये प्रत्याहार बनाने के लिए आएंगे, ये आपके प्रत्याहार, ये वर्ण जो इनमें जो हलंतम वाले वर्ण होते हैं इनकी इति संज्ञा होके इनका लोप हो जाता है। आगे आपको बताएंगे इति संज्ञा क्या होती है, जो जितने लास्ट के अक्षर हैं, लास्ट के सब ये वर्ण हैं, इनमें जिनमें जिनमें हलंत लगा हुआ है, इनकी इति संज्ञा होकर के इन वर्णों का लोप हो जाता है, ये केवल आपके प्रत्याहार बनाने के लिए काम में आते हैं। जब हमको शब्दों को छोटा करना होता है और एक ही सूत्र में सभी शब्दों को लपेटना होता है, सभी को इकट्ठा करना होता है, यही बनाने के लिए इसमें इन सभी लास्ट शब्दों का उपयोग किया गया है। इसमें आप जान लीजिए जो अंतिम शब्द आएंगे उनको आपको ये माहेश्वर सूत्र में नहीं गिने जाएंगे, इनको केवल प्रत्याहार बनाने, कोई पूछेगा कि वो इनका स्थान क्या है इसमें, तो आप बताएंगे इनको केवल प्रत्याहार बनाने के लिए किया गया है, और इनका लोप कैसे होता है, इनका इति संज्ञा होकर के, इति संज्ञा सिनी
इनका लोप हो जाता है। इति संज्ञक वर्ण ये कहलाते हैं। आपके जो अंतिम शब्द हैं इनको एक दूसरे नाम से जानते हैं, इनको इति संज्ञक वर्ण कहते हैं। और तो आज जाइए हम लोग 14 माहेश्वर सूत्र देख लेते हैं। पहला है आ ई उ, फिर है री री, फिर है ए ओ, फिर है आपका ए ओ, फिर है आपका हा या वा रा, फिर है आपका ला, फिर है न्या मा रा रा ना, फिर आपका है झा, फिर भा, फिर घा रा धा, फिर आपका जा बा गा रा दा, फिर आपका है खा फा छा ठा था चा टा ता, फिर आपका है का पा, फिर आपका है सा सा सा, फिर आपका है हा। तो इन माहेश्वर सूत्रों को आप याद करने के लिए आप इनके इति संज्ञक वर्णों को भी ले सकते हैं। आप ऐसे कहेंगे अयुण, आप इनको मिला के कहेंगे अयुण, फिर आप कहेंगे रिलरिक, फिर कहेंगे एओंग, फिर कहेंगे एओच, फिर आप कहेंगे हायवरट, फिर कहेंगे लाण, फिर कहेंगे यमंगणनम, फिर कहेंगे झपही, फिर कहेंगे घड़दास, फिर कहेंगे जब गड़दास, फिर आप कहेंगे खप छठट छठतौ, फिर कहेंगे कपय, फिर कहेंगे ससर, फिर कहेंगे हल। हल इसका अंतिम माहेश्वर सूत्र है और सबसे पहला माहेश्वर सूत्र है अयुण। आपसे पूछा जा सकता है कि माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहला माहेश्वर सूत्र कौन सा है, तो वो आपका है अयुण, और सबसे अंतिम जो है माहेश्वर सूत्र आपका है वो है हल। और इसमें इस माहेश्वर सूत्रों से करीब आपके 10-12 क्वेश्चन बनेंगे। इन क्वेश्चनों की संख्या हम आपके अगले वीडियो में करेंगे। आपको एक बार फिर यहीं पे बताते चलते हैं, आप माहेश्वर सूत्रों को याद कर लीजिए, माहेश्वर सूत्रों को कंठस्थ कर लीजिए। एक बार और बता देते हैं, अयुण रिलरिक एओंग एओच, अयुण रिलरिक एओंग एओच, हैवरट लण लण, यमंगणनम झबहि झबही, घड़दस जब गड़दस, इसके बाद आपका आ जाता है खफ छटट छटतौ, फिर कपय, फिर ससर, फिर हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना आपको याद करनी पड़ेगी। और यहीं से आपको प्रत्याहार बनाने की विधि भी बताई जाएगी, प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, क्योंकि संस्कृत में अगर आपको कुछ सीखना है तो यही प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्रों से आपका संस्कृत विषय स्टार्ट होता है। और आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अपने आप में नोट करके आप 10-15 बार अपने आप अपने चलते रहिए, अपने घर में टहलते रहिए और याद करते रहिए, अयुण रिलरिक एओंग एओच, हैवरट लण यमंगणनम झबहि यमंगणनम झबहि, घड़दस जब गड़दस, खप छटत छटतौ, कपय ससर हल। तो इन्हीं आपको 14 माहेश्वर सूत्रों को याद करना है। और इसके पहले एक सूत्र है, अगर ये सूत्र आप याद कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं याद होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन माहेश्वर आपको पता चल जाएगा कि माहेश्वर सूत्रों की रचना कहाँ से हुई है और माहेश्वर सूत्रों को कौन रचित किया है। तो आप इससे अगर कोई पूछेगा कि माहेश्वर सूत्रों की रचना कौन किया है, तो आप बताएंगे महर्षि पाणिनि महोदय ने किए हैं। और कैसे किए हैं वो आप बताएंगे कि जब भगवान शिव शंकर नृत्य की मुद्रा में थे, नाचने की मुद्रा में थे, उनको नृत्य कर रहे थे और उस समय उनके वो डमरू बजा रहे थे, डमरू बजा के कोई नृत्य करता है, डमरू से जो ध्वनि निकली थी, ध्वनि उत्पन्न हुई, वही ध्वनि को सुनकर महर्षि पाणिनि ने इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना कर दी है। और जो आपके सामने ये इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई, ये इस प्रकार आपके सामने लिखे हैं। तो माहेश्वर सूत्रों से आपको यूपी टेट में और सीटेट में भी मान के चलिएगा 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपके करीब 14 प्रश्न बनेंगे, हम 14-15 प्रश्न बनेंगे। इन 14-15 प्रश्नों पर अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक उम्मीद करेंगे कि आप इन माहेश्वर सूत्रों को याद करके आएंगे और उसके बाद में हम 14 जो इसके प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 14-15 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन पे चर्चा करेंगे, उन पे डिस्कशन करेंगे। और आपको इन
इन्हें जो महाश्वर सूत्रों से प्रश्नावली है वो भी शार्प करवाएंगे। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप महेश्वर सूत्र सुने, महेश्वर सूत्रों को और क्या कहते हैं आपको एक बार दोबारा बता दें, इनको शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र या माहेश्वर सूत्र, तीन नामों से जानते हैं। अगर कोई पूछ लेगा आपसे प्रत्याहार सूत्र कौन से हैं, फिर भी आपको 14 इन्हीं के बारे में बताना है, इन्हीं अयुण रिलिक के बारे में बताना है। कोई आपसे पूछ लिया शिव सूत्र किसे कहते हैं, फिर भी आपको इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताना है। और 14 माहेश्वर सूत्र अगर संख्या आपसे पूछ ली गई तो आपको 14 बता देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं अपने 15 से 20 प्रश्नों के साथ, जो आपको यूपी टेट में करीब 2 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो भी के यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे तो उन सबसे बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।